हेलो क्लास केजी फर्स्ट स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों की एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और आपके हाफ ईयरली का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जब आपके हाफ ईयरली का कोर्स स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पर आपके ये जो नोट्स का पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके नेक्स्ट सिलेबस का एक नोट्स हैं जो आपको स्कूल से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक अपने क्वार्टरली के एग्ज़ाम्स कम्प्लीट नहीं किए, पेरेंट्स स्कूल आकर वर्कशीट लेकर जाएं और अपने क्वार्टरली के एग्ज़ाम्स क्लियर करें, उसी के बाद आपको हाफ ईयरली के नोट्स मिल पाएंगे और आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर पाएंगे। इसके पहले हमने आपके हिंदी के नोट्स का पेज नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था, जहाँ पर मैंने आपको स्वर और व्यंजन के सारे अक्षरों का ज्ञान के लिए कहा था और पेरेंट्स ध्यान रखें कि वो अपने बच्चों को डेली स्टडीज करवाए, तभी वो आगे का कोर्स जो है वो बच्चे आसानी से कर पाएंगे, वो उनके लिए टफ नहीं होगा। तो जिन भी बच्चों को पूरे अ से लेकर ज्ञ तक अनाराम अच्छे से लर्न हो चुके हैं, वो इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, चित्र पहचान कर सही वर्ण पर गोला बनाइए। अब यहाँ पर आपको एक चित्र दिया हुआ है, उस चित्र के साथ ही मैं आपको ऑप्शन में 3 अक्षर दिए हुए हैं, जैसे कि अ, ब और द। आपको ये चित्र की पहचान अपने बच्चों से करवानी है और उसके बाद ये चित्र जिस भी अक्षर से शुरू होता है, सही वर्ण बच्चों को पहचान कर उन 3 अक्षरों में से सही पर गोला लगाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर आपको पहली पिक्चर दी हुई है अनार की। अब अनार शब्द शुरू होता है अ से, जिसके लिए आपको यहाँ पर 3 वर्ण दिए हुए हैं, अ, ब और द। इन 3 वर्णों में से जो सही वर्ण है आपको उसकी पहचान करवा कर उस पर गोला लगानी है। जैसे ये था अनार, जो कि अ वर्ण से शुरू होता है, तो यहाँ पर आपको इन 3 अक्षर वर्ण में से अ की पहचान अपने बच्चों से करवानी है। जब वो सही अक्षर आपको बताएंगे तो उस अक्षर के ऊपर पेंसिल से गोला लगाकर आपको इसे पूरा करना है। एज इट इज़ आपको आगे के चित्र भी पहचान करवा कर सही वर्ण पर गोला लगाकर इसे पूरा करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक उल्लू की पिक्चर दी हुई है, यानी कि ऊ। अब यहाँ पर आपको छ, ऊ और र 3 वर्ण दिए हुए हैं। इन 3 वर्णों में से आपको अपने बच्चों से पहचान करवानी है कि उल्लू के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ण सही रहेगा, और जब वो सही वर्ण यहाँ पर पहचान ले तो उस वर्ण के ऊपर आपको पेंसिल से गोला लगवाकर इसे पूरा करना है। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर एक जहाज की पिक्चर दी हुई है और आपको यहाँ पर वर्ण दिए हुए हैं ज, य और अ। तो ज जहाज, तो ज आपको उस वर्ड को उन्हें आइडेंटिफाई करवाना है और इन 3 शब्दों में से जो सही शब्द है उसके ऊपर गोला लगाकर इसे पूरा करना है। इसी तरीके से नीचे की 3 पिक्चर्स में आपको पहला दिया हुआ है सपेरा, ऋषि मीन्स ज्ञानी और वक्त। तो इन 3 के आपको सही वर्ण की पहचान करवाकर सही अक्षर पर गोला लगवाते हुए इसे पूरा करना है। आपका पहला प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न दूसरा दिया हुआ है, यहाँ चित्र और उसके नाम का पहला वर्ण दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको चित्र भी दिए गए हैं और उन चित्रों के नाम का आपको पहला वर्ण दिया गया है, उनका सही मेल मिलाइए। यानी कि आपको यहाँ पर चित्र को देखकर सही वर्ण की पहचान अपने बच्चे को करवानी है, फिर उस सही वर्ण से पेंसिल से लाइन खींचते हुए आपको उसे कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपको पिक्चर्स दी हुई है। पहली पिक्चर यहाँ पर आपको दी हुई है तरबूज, डमरू, ठठेरा, कबूतर, खरगोश और यहाँ पर आपको दिया हुआ है चरखा। तो ये सारे पिक्चर, फर्स्टली तो आपको पिक्चर्स आइडेंटिफाई करवानी है। जब पिक्चर्स आइडेंटिफाई हो गई है तो यहाँ पर हम वर्ण देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से वर्ण दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ड, च, क, ख, त और ठ। तो आपको यहाँ पर फर्स्टली हम एक एक पिक्चर से स्टार्ट करते हैं, जो पिक्चर्स बच्चों को ईजी लगे पहले आप उन्हें वो कंप्लीट करवा दीजिए। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कबूतर, तो कबूतर के लिए आपका कौन सा वर्ण आएगा, तो कबूतर, तो क। तो यहाँ पर आपको उनसे सारे वर्णों में क ढूंढवाना है, ड, च, क
तब यहाँ पर आपको क दिख रहा है कि आपको पेंसिल की हेल्प से कबूतर को क से मैच करते हुए इसे कंप्लीट करना है। इसी तरीके से आपको बाकी के शब्द जैसे फिर है खरगोश, ख खरगोश का, तो आपको यहाँ पे ख को ढूंढकर ख से पेंसिल से मैच करते हुए खरगोश कंप्लीट करना है। इसी तरीके से आपको तरबूज, डमरू, ठठेरा और चरखे के सारे शब्दों को यहाँ से एक एक शब्द को बच्चों से रीड करवाना है और सही वर्ण से आपको मैच करते हुए इसे कंप्लीट करना है। इसी के साथ में आपके नोट्स का पेज नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, हम जब आपका पेज नंबर 3 अच्छे से कंप्लीट हो जाए तब आप पेज टर्न कर पेज नंबर 4 पर आ जाइए। पेज नंबर 4 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अगला प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें आपको तीसरा प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, बीच में छूटा अक्षर वर्णमाला के अनुसार भरिए। यानी कि यहाँ पर आपको बीच में छूटे हुए अक्षर, बच्चों को जैसे कि बनारम बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो गए हैं तो उन्हें जब भी आप उन्हें बोलने के लिए कहेंगे तो वो इजीली बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अ, अगर मैं उन्हें शब्द देती हूँ अ स्पेस ई, तो यहाँ पर अ और ई के बीच में जो शब्द राइट हो करना है तो वो होगा अ आ, तो यहाँ पर वो आ लिखकर इसे पूरा कर देंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ आकर फिर ये स्पेस फील कर इन्हें कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है म और र, तो आपको यहाँ पर बताना है कि म और र के बीच में कौन सा वाला शब्द आएगा। तो आप उन्हें अनाराम जो उन्हें लर्न किए हैं एक कॉपी में उसमें लिखवा लीजिए, फिर आप उनसे पूछते हैं म के बाद क्या आएगा, तो म के बाद आता है य, तो आपको यहाँ पर य लिखा कर इसे कंप्लीट करना है। फिर य डैश ल, तो य के बाद क्या आता है, तो जब वो पूरा नाराम बोल कर देखेंगे तो उन्हें याद आ जाएगा कि य के बाद हमारा शब्द आता है र, तो उसको उन्हें यहाँ पर य के बाद र लिख कर इसे कंप्लीट करना है। एज इट इज अ के बाद आ, ओ के बाद औ, ऋषि के बाद ए, ट के बाद ठ, च के बाद छ, ब के बाद भ और ए के बाद आई लिखकर, आई के बाद ओ लिखकर उन्हें यहाँ पर प्रश्न तीसरा पूरा करना है। यहाँ पर आपको अगर उन्हें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप उन्हें फिर से ऐसे लेकर गया तक अच्छे से लर्न करवा दीजिए, जिसके बाद उनका प्रश्न तीसरा जो है वो पूरा हो जाएगा और आपको भी इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि उन्हें अभी तक जो आपने अ से लेकर गया तक लर्न करवाया है वो उन्हें याद है या नहीं। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा जब आपका पूरा हो जाए तो प्रश्न चौथा यहाँ पर आपको दिखा दिया हुआ है, पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर से आपको इन शब्दों को राइट कर इसे कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं उन्हें जैसे क ओ ई छ और उ, ये सारे शब्दों को आपको यहाँ पर से अपने बच्चों को रीड करवाना है और उसी के बाद यहाँ पर एज इट इज इन्हें यहाँ पर लिखवाना है। जैसे क क क क क, ध्यान रखिए यहाँ पर एक एक शब्द लिखते हुए उन्हें इसे रीड भी करना है। इसी तरीके से प्रश्न चौथे में आपको ये सारे जो शब्द दिए हुए हैं इन्हें यहाँ पर साइड में लिख कर भी इन्हें पूरा करना है। अगला यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, वर्णमाला के अनुसार अगला वर्ण लिखिए। तो यहाँ पर आपको ये वाला पोर्शन, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ ट, तो ट के बाद कौन सा अक्षर आता है आपको यहाँ पर उसे राइट करना है। तो जब हम अनाराम पूरा रीड कर अपने बच्चों से देखेंगे तो ट के बाद आपका आता है ठ, तो आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ट के बाद ठ राइट करना है। फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर श, तो श के बाद आपका आता है ह। इसी तरीके से आपको यहाँ पर दिए हुए सभी अक्षरों के बाद वाला अक्षर उसके आगे की तरफ राइट कर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, वर्णमाला के अनुसार पहला वर्ण लिखिए। यानी कि यहाँ पर आपको ये जो अक्षर दिए हुए हैं इनका पहला अक्षर यानी कि इनके आगे आने वाला अक्षर आपको यहाँ पर राइट करवाना है। यहाँ पर आप बच्चों को अ से लेकर ज्ञ तक सारे अनाराम का ज्ञान अच्छे से हो सके, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा ये प्रैक्टिस आप उन्हें करवाएंगे उतना जल्दी और उतने अच्छे से उन्हें ये सब कुछ लर्न होगा। तो यहाँ पर आपको वर्ड दिया हुआ है ध, तो ध के आगे के शब्द यानी कि आप उन्हें कॉपी में पूरे अनाराम लिखवा लीजिए, फिर उसमें से ढूंढ कर यहाँ पर राइट करें, आप उनसे कह सकते हैं। तो द का पहले वर्ड
अक्षर होता है आपका द, तो आपको यहाँ पर द लिखवा कर उसे पूरा करना है। इसी तरीके से जब आपका अगला शब्द यहाँ पर दिया हुआ है श, तो श का पहला वर्ण होता है आपका व, तो आपको व लिखा कर। म का पहला वर्ण होता है भ। इसी तरीके से यहाँ पर आपको जितने वर्ण दिए हुए हैं इन सभी वर्ण के आगे आपको लाइन ड्रॉ कर कर इनके पहले वाला वर्ण आपको यहाँ पर लिख कर इसे पूरा करना है। इसी के साथ में आपके हिंदी के नोट्स का पेज नंबर 3 और 4 कंप्लीट होता है। आपको ये सारी प्रैक्टिस अपने बच्चों को अच्छे से करवानी है।